सो हे गाइस, आई एम सोनिक एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द न्यू एपिसोड बैटल पास। सो लेट्स बिगिन। सो मोस्टली इन दिस बंडल, मतलब बैटल पास में हमें 3 गन बंडल्स मिलने वाले, गन स्किन बंडल्स। एक है जेनेसिस, एक गोल्ड विंग एंड एरो। सो जेनेसिस अगर हम देखें तो आप फोटो देख पाओगे, सो आई थिंक इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अस्त्रा। अस्त्रा का वेरियंट लग रहा है और यस, अस्त्रा जैसा है। एंड मिली जो है वो बहुत ही तगड़ा, मतलब एकदम मस्त बना है। एंड शायद से वो ओरिजिन जो बंडल आया था स्किन बंडल, उसके मिली जैसा है, बट इट्स लुकिंग फैंटेस्टिक एंड दिस वन इज सो गुड। सो इन जेनेसिस स्किन बंडल हमें एक शॉटी की स्किन मिल जाएगी, एक बुलडॉग ऑपरेटर, जैक, ये क्या कौन सी शॉट गन की, एंड मिली मिल जाएगी अपने को देखने को। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्किन बंडल विच इज एरो। सो टॉकिंग अबाउट द एरो स्किन बंडल, हमें देखने को मिल रही है एक फ्रेंजी की स्किन, एक गार्डियन, फैंटम एंड स्पेक्टर की स्किन। एंड इसमें 4 डिफरेंट कलर वेरियंट्स आएंगे। अगर आप गार्डियन की बात करें तो इट इज़ अ पिंक, पर्पल, रेड एंड वाइट एंड येलो एंड या फिर ग्रीन एंड ब्लैक वेरियंट। तो आई थिंक ग्रीन एंड ब्लैक वाला वेरियंट बहुत ही अच्छा कूल लग रहा है गार्डियन पे। सो नेक्स्ट गन इज स्पेक्टर। स्पेक्टर में आई थिंक मैं कहूँ तो पर्पल एंड वाइट कलर वेरियंट अच्छा लग रहा है, बाकी सेम कलर है, पिंक, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। सो पर्पल इज लुकिंग ग्रेट ऑन स्पेक्टर। एंड अगर हम फैंटम की बात करें तो इसमें भी सेम कलर वेरिएंट है, एंड आई थिंक रेड वन इज लुकिंग कूल ऑन इट। एंड लास्ट पे बात करें फ्रेंजी की तो बहुत ही स्किन्स आ रही है, एंड इस पर तो कोई भी लगा लो क्या ही फ़र्क पड़ता है, एंड बट गुड स्किन्स। एंड लेट्स मूव टू द आवर लास्ट स्किन बंडल विच इज़ गोल्ड विंग। सो आई थिंक थोड़ा चाइनीज या लुक देने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ द कलर थीम से भी पता लग रहा है एंड पैटर्न से भी पता लग रहा है कि गोल्ड एंड रेड एंड ब्लैक कलर के शेड यूज किए गए, तो इट्स लुकिंग कूल। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक पिस्टल की स्किन क्लासिक, एक शॉटगन अगेन जज, एक घोस्ट एंड एरिस की स्किन मिल जाएगी आपको, एंड इट्स लुकिंग वेरी कूल, अच्छा थीम लग रहा है। सो अभी हम मूव करते हैं कार्ड्स पे। सो कार्ड्स आर ऑल्सो गुड वन। जो हमें एक्ट 2 में जो कार्ड्स मिले थे वो सबसे बेस्ट थे भाई, उसका कंपटीशन ही नहीं है कहीं। सो ये कार्ड्स हमको पहले कार्ड्स में देखने को मिल जा रहा है ब्रिमस्टोन एंड कियो की रिलेशनशिप या फिर सीनर्जी बिटवीन दैम। एंड ये एक लोर के बारे में पता चलता है कि जब वॉर हुआ था तो वो दोनों कैसे साथ में लड़ाई कर रहे थे एंड कैसे कियो इंजर्ड हुआ था। फिर वाइपर का एक है जब वो अल्ट अपना करती है, सो वो एक कार्ड में आ रहा है। पिछले एक्ट में हमको देखने को मिल रहा था रेना की अल्ट का। फिर वी कैन सी ब्रीच एंड अस्त्रा इन आइस बॉक्स। एंड नेक्स्ट ये चौथा जो कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट इट इज गिविंग अ हिंट अबाउट द नेक्स्ट एजेंट विच विल बी 8th एजेंट इन द वैलोरेंट टीम। सो आप अगर नहीं देख पा रहे तो यू कैन सी अ 8 फिगर बिटवीन द कार्ड, जो इलेक्ट्रिक शॉक से 8 जैसा कुछ बन रहा है। तो आई थिंक इट इज गिविंग द हिंट ऑफ द 8th एजेंट, क्योंकि टोटल एजेंट्स आर 18th। द न्यू एजेंट विच इज कमिंग इज चैम्बर विच इज द 18th एजेंट, लेकिन अगर हम रोस्टर देखें तो 8th एजेंट इज अननोन। सो आई थिंक नेक्स्ट एजेंट विल बी आफ्टर चैम्बर विल बी द 8th ओनली। एंड नेक्स्ट हमें कोडेक्स स्टील की एक नाइफ का एक कार्ड मिल रहा है। एंड नाउ वी कैन सी सेज एंड ओमेन इन अ वेरी हेलोइन लुक, कूल। सो अगर हम दूसरे कार्ड्स पे मूव करें, सो वी कैन सी फ्रैक्चर कार्ड 2 डिफरेंट बायोम्स का, एंड गोल्डविंग जो स्किन बंडल था उसका एक कार्ड का मिल रहा है देखने को। एंड नेक्स्ट इज जेनेसिस बंडल लुक। तो इसमें कोई कैरेक्टर को दिखाया गया है विच हैव अ जेनेसिस स्किन बंडल वेरिएंट, मतलब वही कलर थीम है एंड यस, वही लुक आ रहा है उसमें से। एंड नेक्स्ट वी कैन सी ओमेन स्टिचिंग और टेलरिंग समथिंग, एंड आई थिंक ये एपिलॉग में भी आएगा क्योंकि इसके 2 डिफरेंट वेरियंट्स, एक ब्लैक में है और एक गोल्डन में। सो ये हमें शायद से जो बैटल पास नहीं लेगा उनको भी मिलेगा। एंड नेक्स्ट वी कैन सी चैम्बर एज अ वेलोरेंट एम्प्लॉई और अ एजेंट डिटेलर, मतलब कार जैसा है। एंड एज यू कैन सी दिस इज 18th वेलोरेंट, इधर लिखा है 18, सो यस दिस इज अवर 18th वेलोरेंट एजेंट। तो 8th एजेंट इज मिसिंग। So let's move on to the sprays of the
न्यू वेलोरेंट बंडल, मतलब आई मीन बैटल पास। सो फर्स्टली वी कैन सी अ फैन काइंड ऑफ स्प्रे, नेक्स्ट इज अस्त्रा। आई थिंक ये डूडल्स बनाने की कोशिश की, क्योंकि वी कैन सी अस्त्रा, स्काई, सेज एंड रेना के डूडल्स दिख रहे हैं, जो बच्चों वाले स्नैपचैट फिल्टर में आते हैं वैसा है। फिर एक डक दिख रहा है ब्लैक शेड में, स्ट्रोक में दिख रहा है। फिर वी कैन सी कोला कोला, एंड फिर एक प्लांट है, स्पाइक प्लांट है, मतलब स्पाइक के आसपास प्लांट है, मतलब स्पाइक इज प्लांटेड। वाह भाई क्या कर रहे हैं वेलोरेंट वाले। फिर वी कैन सी योरू सिटिंग ऑन अ सीट, देन गोल्डविंग का एक और है, फिर है एक ये काइट ऑफ कार्टूनिक एंड मीमिक, मीम से इंस्पायर्ड आया था और कार्टूनिक बहुत बनाया गया है। फिर एक आइसक्रीम का एक कप है, फिर एक बकी है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया यूज़ करने के लिए भाई। फिर लेट्स मूव ऑन टू द बड़ी, गन बड़ी की बात करें तो वी कैन सी अ सॉक विच इज इन रिलेशन टू क्रिसमस, क्रिसमस के बारे में बता रहा है कुछ। फिर ये हेलोइन, मोस्टली हेलोइन की लिंक किया गया है इन लोग को, मतलब ये हेलोइन का सेकंड बड़ी जो मिल रहा है अपने को वो हेलोइन से रिलेटेड है शायद। फिर एक जेनेसिस का गन बड़ी दिया गया है, एंड वी कैन सी अ डस्टबिन काइंड ऑफ गन बड़ी, टू डस्टबिन, आई थिंक एपिलॉग या फ्री में मिल सकता है ये, क्योंकि दो कलर वेरियंट्स में। फिर एप थ्री का एक और ब्लैक वेरियंट में एक गन बड़ी है, एंड देन वी कैन सी अ हेलमेट, एंड लास्ट में एक ब्रीज वाला एक मिल रहा है अपने को, एक गन बड़ी। सो आई थिंक दिस इज अ कूल बैटल पास फॉर अस, जो वर्थ है लेने को। आई थिंक आई विल बाय इट, एंड ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा है बैटल पास इन कंपेयर टू लास्ट एंड लास्ट बैटल पास, भी मैं तो खरीदने वाला हूँ, तुम लोग भी खरीदो, एंड इट्स लुकिंग ग्रेट। आप बताओ आपको कैसा लगा, एंड इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब फॉर मोर वैलोरेंट न्यूज एंड अपडेट्स एंड लोर्स, ऑल थिंग अबाउट वैलोरेंट्स टू। पीस आउट गाइज, लेट्स मीट इन द न्यू लाइव स्ट्रीम।